Rabdi, yeah, there's Rabdi also. Throw pain or just strip it down. अरे लखनऊ कैसे हो भाई? गुच्ची जी रेडी है लखनऊ एक्सप्लोर करने के लिए? बोन रेडी, बोन रेडी। अरे गुच्ची को छुट्टियां मिल गई है तो गुच्ची थोड़ा फ्रेश दिख रहा है कैमरा पे। काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई गुच्ची जी हमेशा सोते रहते हैं, क्या चक्कर है व्लॉग्स में? तो मैंने कहा भाई बेचारा कामगार आदमी है, लेकिन आज काफी छुट्टियां मिल गई है तो अब अच्छी नींद हुई है। नींद तो खैर अभी भी नहीं हुई, पर नहीं हुई, फ्रेश हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं करना भी तो होता, चिट चैट भी तो करने होते, तो मैं लेट नाइट समझ गया, मैं जेठ लाल देख रहा था। सिल्वे जी रेडी हैं? रेडी। तो चलिए आपको लखनऊ शहर के दर्शन कराएं। अरे जहर हो तुम तो यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लखनऊ में है, नवाबों की सिटी में है, तो आपको हम आज, समझ रहे हैं आप, लहजा जो है आज ऐसा ही होने वाला है। लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पेट पूजा प्लेसेस, जिसके बारे में भाई मैं सोचता था और मुझे थोड़ी सी ना वो होती थी, समझ रहे हो ना। तो आज पूरा दिन हम लोग खाएंगे और विल एक्सप्लोर द बेस्ट प्लेसेस इन लखनऊ फॉर ईटिंग। जो लोग आ रहे हैं तो हाँ बने रहिएगा चैनल पे, जहरीले इंसान है सबके सब। कभी कभी ज्यादा हो जाता है जोश, जाता है भाई, समझ रहे हो भाई। मैं भी लखनऊ, मैं बहुत पहले लखनऊ आया था भाई, जब मेरी काउंसलिंग थी इंजीनियरिंग की, बट वो भी बहुत ब्रीफ टाइम के लिए, तो मैंने एक्सप्लोर कभी कुछ किया नहीं है। मुझे होटल बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज मुझे खटकी कि भाई 25 रुपए के चिप्स हैं और ये 20 रुपए के हैं और यहाँ पे 30 रुपए के दिए हुए हैं भाई। ये ना यार 5 रुपए तो ज्यादा ले रहे। सवाल 5 रुपए का नहीं है कुछ ही, सवाल है प्रिंसिपल्स का। MRP याद है, वो बचपन में बोलते थे MRP। स्टाफ आ गया क्या? कोई आ गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। MRP क्या है भाई? ठीक है, आ गया। कैसी रही नींद? बहुत बढ़िया। होटल तो अच्छा है, स्लाइटली ओवरप्राइस्ड, बट आई थिंक एमिनिटी वाइज ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा। जादू होता है इनके, माँ कसम ऐसी नींद आती है बंदा लेट के मर जाता है भाई एकदम। ले जाएं क्या? ले जाएं। तो ये भाई बाथरूम है इसका, देख लो, अच्छा है, मतलब डिसेंट साइज है। एंड एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कहीं पे भाई ग्लास वाला वो सेपरेशन है, क्योंकि हम लोग हिल्टन में भी रहे थे लास्ट टाइम आगरा में, वहाँ पे तो ये ऐसे पार्टीशंस नहीं दिए थे। अच्छा लगता है, बहुत नीट लगता है यार ऐसे। और ये बड़ा सही कर दिया इन्होंने ना, मम्मी पापा के रूम एकदम ऑपोजिट दे दिया, तो ऐसे लगता है एक ही कमरा है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? हाँ, इनका कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, हमारा तो दीवार ही है सिर्फ। अरे कैसे हो? आई लव द यू नो द आर्ट, यहाँ पे बड़ा मॉडर्न सा यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। हर जगह फैब्रिक ही। अरे मेरे को तो, अरे 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 खोलो, खोल भी नहीं रहे हो तुम लोग यार। वो खुलता नहीं है, बटन नहीं खुल सका कोई। हैप्पी आवर 12 PM टू 8 PM। तो मम्मी पापा तो अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं भाई, थोड़ा टाइम लगता है उनको, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम जाओ भाई, हम अपना चाय वह पहले पियेंगे, हमें ब्रेकफास्ट करना है, वो सब करना है। तो आई थिंक स्टार्ट करेंगे शर्मा जी की चाय के साथ। आई थिंक लखनऊ वालों को पता होगा भाई, बहुत ही फेमस चाय स्टोर है, और आई थिंक ही सेल्स बन मस्का एज वेल, बन बटर मीठी वाली, वो तो उत्तर प्रदेश की, यू नो, आप समझ रहे हैं ना वो। हाँ, तो शुरुआत करते हैं वहाँ से और फिर देखते हैं भाई कहाँ किस्मत ले जाती है, पूछते हैं किसी से कि और क्या चीज़ है। तो मॉर्निंग टाइम यू नो यही सब पीने खाने में तो मजा आता है। चलो, लोग कह रहे बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं यहाँ पे भाई, मैंने खुद देखा यार स्ट्रिक्ट हो गया। सो द मोमेंट आई एंटर्ड ना, सो आई सो जितने भी हमारे प्रिय विधायकों की गाड़ी थी, वो लोग भी सीट बेल्ट पहन लग गए यार। इट्स एक्चुअली वेरी गुड चेंज। कल भाई हम रात को आए यहाँ पे पनवाड़ी भैया के पास, ऐसे ही हल्का फुल्का यू नो चिट चैट करने लखनऊ के बारे में, तो
कहते हैं द सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट कंसिडरेबली पहले से, बिकॉज यहाँ पे हमने नोटिस किया कि 9:30 बजे भाई दुकानों पे मतलब वो पुलिस आने लग जाती है, बंद कर देती है सबको. कहते पहले तो 1-1.5 बजे तक चलती रहती थी दुकानें, बट नाउ यू नो इट्स बिकम वेरी स्ट्रिक्ट और क्राइम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही चेंज हो गई है लखनऊ में. कहते थे भैया कि पहले काफ़ी यू नो दुकानों वकानों में जाते थे लोग, गैंगस्टर टाइप का वो कल्चर होता था, वो बिल्कुल चेंज हो गया. तो दैट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज. सुबह सुबह शुरू हो गया भाई चाय का. भाई यहाँ का चाय का हिसाब अलग है, ऐसा ही होना चाहिए यार, ऐसा ही होना चाहिए. भैया शर्मा जी की चाय कहाँ है? शर्मा जी की चाय बाएं. भीड़ देख रहे हो क्या है पार्क की? भाई ये नॉर्मल चाय की दुकान नहीं है, ये बहुत फेमस लग रही है यार. पार्किंग घुसा ऐसे फ्रंट में. डिड यू सी द रश? सुबह सुबह के 7 बजे हुए भैया. दैट्स इंडिकेशन. ये चाय का स्टाइल थोड़ा अलग है बनाने का ना. ये तो वाइट बटर है. ये चाय बनती है, ये कैसे बनाते हैं? पहले दूध डालते हैं, फिर उसके बाद एंड में चाय पत्ती डालते हैं. चीनी पत्ती है अलग खोलना, ये वाली. अच्छा, वो दूध खोलना. ओके, फिर पहले फिर दूध डालते हैं उसमें, फिर ऊपर से पत्ती डालते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. The red is so good. You know, whenever I drink this type of tea, yeah, it reminds me of kulfi. Kulfi. Yeah. The milk is very good. That means it's very creamy. Very creamy. जो usually हम दिल्ली में चाय पीते ना, अदरक पीस के बढ़िया. वो ये नहीं है exactly. ये कुछ अलग ही है. Plain flavor of tea. Yeah, plain flavor of tea. Exactly. चलो भाई मैं भी taste करता हूँ the famous शर्मा जी की चाय. देखते हैं भाई कैसी है. अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है. और डिप करके खाने का तो वाह, कितना ख्याल रखती है मेरा सिल्विया दुल्ला. दे दे ना. चाय इज अमेजिंग, बट वॉट्स मोर अमेजिंग इज द कॉम्बिनेशन भाई. मतलब हम जब इंजीनियरिंग करते थे यहाँ पे तो हम भी भाई बन बटर खाते थे, बट ये वाइट मक्खन जो अंदर डली हुई है इट्स सो गुड भाई. क्रीमी और चाय के साथ क्या ही कॉम्बो है भाई, मज़ा आ गया है. वेरी टेस्टी, वेरी फ्लेवरसम भाई. मैं तो 15-20 कप पी जाऊँगा भाई ये. नो बस सीरियसली, आई मीन यूजुअली भाई मतलब दिल्ली वालों को आदत है भाई वो दबा के नो अदरक एंड ऑल यू नो इलायची और, बट दिस गोज वेरी वेल विदाउट एनीथिंग. वो बन के साथ तो क्या ही कॉम्बिनेशन है भाई. इट्स वेरी क्रीमी. यस, वेरी वेरी क्रीमी भाई. देखो दो चीज़ें तो बहुत ही जेन्युइन है और साथ ही साथ जो भाई हम मर्दों को पसंद है, एक तो सुबह की चाय, एक शाम का ढेका. अच्छा, चाय भी है ठेका भी है. नाइस, बहुत ही अच्छा. और वो कहाँ है वो जो अगरबत्ती? अगरबत्ती छोड़ दो. मैं तो नहीं पीता भाई, मतलब होता है, अवेलेबल है. अच्छा, दे डोंट एक्सेप्ट यूपीआई, ओनली कैश. कैश ही तो दे देना उसको. कैश उतना तो है ही. पीछे एडीएम है ये ना, वी जस्ट गो एडीएम. ओ या, सो मच ऑफ कैश. ये है भैया हमारे भैया का वॉलेट. तेरे पे भी तो है 150. पैसे ही नहीं भाई, मुझे लगा अब क्या करें भाई. ओ शिट, ओ मेरे पास भी ज्यादा नहीं है. देखो 50 प्लस तू भी गरीब, 20-70 रुपए टोटल लेके घूम रहे हम भाई. ले, ये तो इज्जत का फलूदा हो गया भाई. हमारी जेब में कैश ही नहीं है. कैश लेके आना भाई शर्मा जी की चाय पे आओगे तो. नोबडी कीप्स एन आई ऑन यू, यू हैव योर टी, एंजॉय इट वेयरएवर यू सिट, यू नो इन द कॉर्नर और एनीवेयर यू वांट टू सिट, एंड देन पे व्हेनेवर यू नो you are completed. No, your only shows you know people's honesty. Yeah, you know, and there's trust here. That, yeah, exactly. Yeah, that's that the type of trust that you come back and you exactly will exactly. So next stop, Sylvia ji, हम आपको खिलाएंगे मक्खन मलाई. मक्खन मलाई. तो मक्खन मलाई हमारे लखनऊ की शान है. दिल्ली में it's called दौलत की चाट. मक्खन means butter, मलाई means मलाई. You, it's so very unique and it's only had in you know this winter time only. So it's butter malai. Yeah, butter malai. चलो खिलाते हैं भाई. एक ज़रा अंग्रेजी भी ना, English is a very funny language. अरे भाई शर्ट को भी चाय हो गई. होता है भाई थोड़ा सा, तुम नहीं समझोगे.
और ये लेकिन ऐसे लग रहा है गुटके का पीक है. तो मक्खन मलाई की भाई दो तीन दुकानें हैं लखनऊ में बहुत फेमस, बट वन शॉप अगेन भाई बहुत लोगों ने हमें बोला कि मोती महल बहुत अच्छी दुकान है भाई जहाँ पे मक्खन मलाई मिलती है. अनफॉर्चुनेटली अभी मोती महल में नहीं है मक्खन मलाई बिकॉज गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं. तो कभी कभी और भैया कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन आते हैं, सीज़न के हिसाब से कभी कभी चेंज हो जाता है सिस्टम. और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है देखो भाई, इतना मतलब वो देखो लखनऊ नेस समझ रहे हो, दिख रही है भाई यहाँ पे हर जगह पे. अगर आप आ रहे हो और आपको रहना है तो ट्राई टू गेट अ होटल अराउंड हजरतगंज एरिया. अगर आपको वो मेन मेन ईटरीज चाहिए तो वो आपको यहीं आसपास ही सारी मिल जाती है. तो थी नहीं मक्खन मलाई, बट तुझे मक्खन मलाई खिला के रहूंगा मैं. We'll find it. We'll find That's it. Our mission now. यही तो अरे बात है, तो भाई भी मोटिवेशन है यार. Yes, because I've seen so many videos. Yeah. That people are eating it and it's yes. like a cloud and yes. I need to try it. और सबसे हैरानी की बात क्या पता है, तुम्हारे भाई ने भी नहीं खाई कभी भाई. ओल्ड दिल्ली जाते तो थे बट ओल्ड दिल्ली में तो भाई हम वो मुर्गा उर्गा ही खाने जाते थे, मक्खन मलाई तो कभी नहीं खाई. क्योंकि ओल्ड दिल्ली में जो मक्खन मलाई मिलती थी दौलत की चाट, वो सुबह सुबह ही होती थी तो अर्ली मॉर्निंग आपको आना पड़ता था वरना सब खत्म हो जाता था. तो इतना सुबह उठ के भाई कौन जाएगा, वो भी सरोजनी नगर से है. मैंने कहा हमने तो खाई नहीं है कभी, बस देख, मैंने ही. खाई है पर मैंने रात को खाई है. तूने खाई है कहाँ पे? ओल्ड दिल्ली में काफी ज्यादा था जामा मस्जिद. रात को तो नहीं, रात तक बचती थोड़ी, सुबह पे बचती थी, रात तक भी बचती थी जामा मस्जिद साइड पे. ये ज्यादा खबर है भाई. तो मैं तो भाई बहुत रेयरली जाते थे भाई हम ओल्ड दिल्ली, पर बाहर तो निकल इतना क्या खौफ है भाई. मतलब योगी जी हैं बट बाहर है, तो निकलो इंसान भूल जा रहा है ना. तो अरे भाई ये बंदा मुझे बेल्ट के लिए बोल रहा है यहाँ पे लखनऊ में, दिल्ली में बंदा, उसको मैं याद दिलाता हूँ बेल्ट पहनना. अबे कितनी ब्यूटीफुल सिटी है यार. This is guys old लखनऊ साइड की तरफ जा रहे हैं अभी. ऑन द वे हम लोग. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, मतलब इतनी ब्यूटीफिकेशन. रोड्स आर सो प्रिटी, वेरी नाइस, नीट, क्लीन एंड रोड्स आर वेरी स्मूथ हियर. या एंड सो मेनी पार्क्स. So many parks. Yeah, the place is actually very, very green. Yeah. Yeah, and you were just talking about the old Lucknow side. Yeah. But that also doesn't look kind of old. New. Yeah. It looks like it's got this architecture, but it's still like very, very nice, clean. बहुत अच्छी maintenance है भाई. Yeah. Maintenance काफी अच्छी हुई है. Look at the front, man. That's crazy, yaar. They're doing the stories. Yeah, yeah. They're doing restoration actually. So beautiful. भाई ये जगह में वाइब है भाई, वाइब मतलब वो लहजा तहजीब, मतलब मैंने नहीं देखा भाई पहले लखनऊ इतना ना, मतलब गौर से. मैंने मेरे कॉलेज में तो भाई लखनऊ से लोग थे, थोड़ा बहुत पता चलता था, बट यू नो इट्स वेरी डिफरेंट. भैया मक्खन मलाई है क्या? अरे ये देखो ये रही. I was so scared they will not have it. Yeah. And I was like, please have at least one portion. We'll share. But it looks like it's still full. भाई सुबह सुबह मतलब आपको अर्ली आना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बहुत जगहों पे हम गए वहाँ भाई खत्म हो चुकी थी. दिल्ली में तो हम इसको दौलत की चाट बोलते हैं. दौलत की चाट बोलते हैं चांदनी चौक में. हाँ चांदनी चौक में. दूध और क्रीम से बनाया जाता है सर ये, उसके बाद नाइट में इसको रखा जाता है उसमें. अच्छा. उसमें रखने के बाद बट ये सुबह 3 से 4 बजे सुबह सुबह तो ये बनाया जाता है, फेट कर जैसे मट्ठा बनाया जाता है. अच्छा. अरे वाह, तो सिल्विया जी का फर्स्ट टाइम मक्खन मलाई. अरे जहर. रबड़ी. या देयर इज रबड़ी आल्सो. हाउ इज इट? Have you had something like that before? No. It's lovely. It's like a foam. Yeah, it's very very light. It's like a foamy kulfi. Yeah. It's very light. Yeah. Oh my god, it's so yummy. It's like whipped cream. कैसा है? भाई बहुत हल्का ही है ना? और ये foam type जैसा लग रहा है. अरे बहुत light है भाई ये. अरे भाई साहब. पापा मम्मा को जाना चाहिए था. हाँ लाएंगे, उनको भी खिला देंगे. ये क्या, ये केसर वाला दूध है? यस सर. अच्छा. अरे मलाई मक्खन का जो मेल्ट होता है. हाँ हाँ. सो दिस इज द मेल्टेड पोर्शन ऑफ दैट मलाई मक्खन. अरे वाह. अरे अरे दिस लुक्स नाइस यार. चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं मक्खन मलाई. ओ भाई साहब, इट्स लाइक ईटिंग क्लाउड है ना. सो सर भाई मतलब क्या ही बोलूं भाई, बहुत अलग टेस्ट, सारे खा जाऊंगा भाई. तो बहुत हल्की है. आई थिंक वी नीड टू टेक वन मोर प्लेट. एक और राउंड भाई. इट्स लाइक
हाँ कुल्फी, कुल्फी वाला फ्लेवर, बट यार मतलब बहुत ही लाइट, कैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई। आओ जहाँ भी हो, लखनऊ दिल्ली, ये ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत वेरी टेस्टी। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग आई एवर ट्राइड। ट्राई दिस वन दिल्ली। ओह इट्स लवली, या इट्स रियली नाइस, या भाई हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बट भाई करना पड़ेगा भाई, बाथरूम का बाद में देख लेंगे। अरे भाई भाई ऐसा जहरीला भाई चीज मैंने कभी नहीं खाई भाई, पी है खाई है। कैलकटा से हैं, पहली बार खा रहे हैं कि पहले खाया हुआ है? कैसा लगता है ये? कलकत्ता में मिलता ही है? अच्छा वहाँ पे क्या कहते हैं कलकत्ता में? मक्खन मलाई कहते हैं। एक बाइट बची है, अब दे रहा है मुझे, अब ऑफर कर रहा है, कम से कम तीन चार बाइट है। खा ले खा ले कोई नहीं। पूरा पीना है ठीक है? भैया कह रहे हैं आज लास्ट डे है, कल से कुल्फी स्टार्ट, फालूदा कुल्फी। भाई वी आर सो लकी टुडे, फ्रॉम टुमारो ही इज डूइंग कुल्फी। रियली? या या, सो वी आर वेरी सीरियसली, यहां पे थोड़ी सिल्वर फॉइल लग गई है। ओह भाई क्या तृप्ति हुई है पेट की भाई, मजा आ गया वहां कसम, बहुत टेस्टी था यार, बहुत टेस्टी था, बहुत ही यूनिक फ्लेवर है भाई इसका। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं सीरियसली, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द टेक्सचर? आई वुड एक्सप्लेन इट एज अ whipped cream, yeah, but it's not kulfi flavor. Flavor whipped cream, but it's having almonds and everything, but it's like very light, you as compared whipped to whipped cream that you have this in this can. Yeah, the one, this one, yeah, but this one is very, but it's so much lighter, but it's a different, it's lighter, the texture is very different. Yeah, but this is what I will describe it as, you know, like the best way I could describe it. It was lovely. The other one, the drink was also very nice. Yeah, but the drink was also nice. But I prefer that makhani malai, makhan malai, makhan malai, makhan malai, makhan malai. I like makane as well. Yeah. Imagine this makane on sprinkle on top. That also would be nice combo. Yeah. मुझे तो दूध भी बहुत अच्छा लगा. The milk, like usually I don't like milk by itself, but ऐसा वो the flavoring. भाई नशा हो गया सुबह सुबह भाई, है भाई ऐसा नाश्ता रोज मिले गुची तो भाई लाइफ बन जाएगी माँ के साथ, हैवी पेट भी आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, ये सब तो चलता रहता है। तो चलो गाइस, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको सुबह का ब्रेकफास्ट लखनऊ का अच्छा लगा। नाउ वी मूव टू द लंच साइड, द समझ रहे हो, वो वाला प्रॉपर वो वाले साइड पे भी आपको दिखाने वाले है, दैट वुड बी इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। और जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, कर दो भाई, 1 मिलियन क्या कर रहे हो? इसके लिए कर दो, इसी से कर, घोड़े के लिए कर दो, कम से कम घोड़े के लिए, घोड़े के लिए कर दो, लखनऊ के लिए कर दो, लखनऊ के लिए तो कर दो। बट आई एम श्योर कि लखनऊ में भी बहुत लोग हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, तो वो लोग तो जरूर कमेंट करना, और जो लोग लखनऊ आने का प्लान बना रहे हैं डू आल्सो कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, स्टे ट्यून्ड भाई, आ रहा है अभी वो खाने वाने का ब्लॉग भी आ रहा है, चलो चलो।